कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके एमसीक्यू के द्वारा आपको जो सीजीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस है वो कवर करा रहे हैं। ठीक, आज का टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है। ठीक, क्वेश्चन के साथ में क्या करना है, जो आपके कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके सॉल्व करते हैं उसका सरल से सरल तरीका देखेंगे। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन को हम चालू करेंगे। जो सिंप्लीफिकेशन का जो बेस होता है, बेस हम जानते हैं क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का जो बेस होता है वो हमारे पास होता है, वो होता है बॉड मास। ये हम जानते हैं कि इसका जो होता है पूरा किस पे होता है, बॉड मास पे डिपेंड होता है। ये जो बी है, ये बी डिनोट करता है ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, ये वाला हुआ। जो सेकेंड पोर्शन है वो डिनोट करता है ओ को, ऑफ, इस ऑफ को हम बोलते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, ये वाला। कहीं पर भी आपको क्या होगा, स्टेटमेंट में आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है अगर उसमें आपको ऑफ अगर का दिखेगा तो क्या करते हैं हम, इसका डायरेक्ट रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा, ठीक है, इसको अपन लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग की प्रक्रिया करते हैं। फिर M मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणनफल होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है एडिशन, और अंत में यहाँ पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन। हमेशा क्या होगा, यही वाला जो होगा सीक्वेंस उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर सपोज आपको डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, यही हमारा सीक्वेंस चलते रहेगा, ये हम जानते हैं। ठीक, अब अगर सपोज आपको बोला है कि 4+4 × 4 हमको ये दिया, अक्सर बच्चे लोग क्या गलती करते हैं इसमें कि 4 और 4 क्या कर दिए, 8 कर दिए, और 8 × 4 यहाँ पर क्या कर दिए, 32। ये अक्सर गलती होती है। तो कभी भी आपका इक्वेशन होगा तो हमेशा क्या करेंगे हम, बॉड मास का जो सिस्टम होगा, मतलब जो सीक्वेंस होगा उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपके पास पहले प्लस आया है और यहाँ पर इनटू आया है, तो पहला काम क्या होगा, ये इनटू होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर 4+16 ये आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक, दूसरा, अगर मैं सपोज बोला कि आपको मैंने बोला है 1/2 / 1/4 × 1/2, सपोज मैंने आपको ये बोला है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, डिवाइड आया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई आया है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिवाइड, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, बॉड मास के नियम के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, बॉड मास के नियम के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपका, सबसे पहले डिवाइड होगा और डिवाइड के बाद ही यहाँ पर क्या होगा आपका, इनटू होगा। ठीक, लेकिन अगर सपोज ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको इस फॉर्म में दिया है 1/2, ठीक, डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ 1/2, सपोज आपको दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, का दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि इस ऑफ मतलब का, इस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, होता मल्टीप्लाई है, लेकिन सीक्वेंस में ये डिवाइड से पहले आया है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 1/4 × 1/2 का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा 1/8, ये हमारे पास होगा, और हम इसका आंसर निकालेंगे।
तो जब हम ये सीरीज फॉलो करेंगे और ऐसा करेंगे तो आंसर में यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा हमारे पास फर्क आना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास ये सीक्वेंस आपका देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हमको ब्रैकेट देगा, आपको ब्रैकेट देगा, स्मॉल ब्रैकेट देगा, कर्ली ब्रैकेट देगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देगा। तो यही सीक्वेंस चालू करेंगे, पहले इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे और फिर इसको खोलेंगे, ठीक है। और प्रश्न बनाते हुए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि साइन का याद रखना है, अपने पास साइन का याद रखना है। अक्सर लोग हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर हो जाता है, सॉल्व करते क्या होता है, हड़बड़ी होता है हमको। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार प्लस माइनस चिन्ह का भी गलती करते हैं। प्लस माइनस चिन्ह की भी गलती को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर बोला 4, अगर कोई भी नंबर मैंने बोला है 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी बोला है, तो सामने में कोई साइन लेके नहीं आया है, तो उस कंडीशन पे हम ये लेके चलेंगे कि सामने में यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। अब सिंपल सा समझते हैं, अगर मैं बोला 4 + 6 तो हम ये जानते हैं 10 होता है, 6 - 4 ये कितना होता है, 2 होता है। अब अगर सपोज 4 - 6 किया तो ये क्या हो जाएगा, -2 होगा। क्यों, अगर एक प्लस में होता और एक माइनस में होता तो हमेशा बड़ी संख्या को छोटे से घटाएंगे, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 6 है, इसलिए 6 में 4 के कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, प्लस, जिसको हम लिखते नहीं हैं। अब अगर सपोज 4 में से 6 गया तो 6 - 4 कितना हुआ, हमारे पास 2 हुआ, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 6, और सामने में यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। अब सेम चीज़ अगर सपोज -4 और -6 दिया, -4 और कितना दिया -6 दिया, अगर दोनों संख्या साथ में यहाँ पर क्या है, माइनस में है और बीच में कोई चिन्ह नहीं आया है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना होगा, -10 होगा। बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि माइनस माइनस यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, ये हम जानते हैं, ये हम सोचते हैं बहुत बार माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस कब होगा, मल्टीप्लाई के कंडीशन पे होगा। अगर सपोज मैं -4 - -6 करूंगा तो आंसर क्या होगा, +24, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 24 लिखते हैं, क्योंकि प्लस के साइन को आप नहीं लिखोगे तो भी वहाँ पर कोई बड़ा दिक्कत आपको नहीं है, ठीक। ये समझ में आया। और यहाँ पर इसके बाद इसी में भी बॉर्ड मास में क्या होता है, एक चीज़ और होता है, वो ये होता है कि अगर मान लो कोई भी संख्या के ऊपर हमारे पास बार लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं विन्नीकुलम, बार, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, हमेशा सॉल्यूशन क्या होगा, उसी से स्टार्ट होगा। ये चीज़ को याद रखना, विन्नीकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक। और बार जब देखोगे ना तो बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार किसके ऊपर लगा, क्या लगा हुआ है, ठीक। ये हुआ। दूसरा, अगर सपोज कोई सा भी ऐसा होता है और इसके अंदर कोई संख्या दिया, चाहे वो प्लस में दिया माइनस में, चाहे वो प्लस में दिया माइनस में दिया है, तो इसके बाहर जो नंबर निकलेगा हमेशा किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। अगर सपोज आपको 4 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, और अगर सपोज -4 दिया तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पर बोलते हैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं ये। चलिए प्रश्न के थ्रू अब एक दो समझते हैं, ठीक। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएंगी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, और प्लस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आपका होगा, ठीक है। और बीच में आपको बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ये सब बताते रहूँगा। अब ये हमको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहला क्या होता है, बॉर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है 19 - 7, सबसे पहला ये सॉल्व होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये हमारे पास कितना होगा, ये आएगा हमारे पास 12। ये सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ये सबसे पहला काम, ठीक है। अगला, अब इसी को फॉलो करेंगे, 28 में से 12 गया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 16, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 16 हमारे पास बचा है, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस को अपन आगे बढ़ाए तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, 16 और 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 37 में से 21 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 16, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सीक्वेंस हमेशा याद रखना, जो आपका सीक्वेंस चल रहा है बॉर्ड मास का, सीक्वेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक दो में आते हैं। अभी आपको कुछ देर पहले बार का बताया था, सेम हमको वही बार वाला क्वेश्चन हमको मिल गया। अब हम सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर हमको दिया हुआ, यहाँ पर आपको दिया 78 माइनस यहाँ पर दिया हुआ 24, ठीक है, माइनस आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे 24 माइनस 16 कोष्टक में 5, कोष्टक में आपको दिया हुआ है 5 माइनस 4 माइनस 1 और यहाँ पर दिया है बार। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये जो बार है ना, बार कहाँ पे दिया आपका, बार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। और अगर सपोज यही बार अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बार है ना वो 4 के साथ में इसके साइन के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम बार को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर ये जो होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो 16 × 2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और फिर 24 में से 32 को माइनस करेंगे, अगर एक संख्या बड़ी होती है, बड़ी को छोटे में दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। 32 माइनस 24 के तो कितना आया, 8 आया, लेकिन 32 यहाँ पर बड़ी संख्या, इसके सामने में यहाँ पर क्या माइनस चिन्ह लेके आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस 8 होगा। और फिर जब ये कोष्टक खुलेगा इसके साथ में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 78 प्लस 8 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 86, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो आपको दिया नहीं है, और हमारा आंसर क्या होगा, नन होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा, जो स्टूडेंट इसमें गलती करता है, क्या गलती करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 5 माइनस 4 किया तो कितना आया, 1 आया, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0, और 16 × 0 कितना कर देगा, वो 0 कर देगा, और 78 माइनस 24 करके इसका आंसर क्या लगा देगा, 54, और ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये ऐसी कॉमन गलती है जो आपको नहीं करना है, सीक्वेंस हमेशा याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आपको हर एग्जाम में आपको 3 से 4 मिलेंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कभी भी यहाँ पर क्या होगा, आपको सेम क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से बनेगा। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन से देखते रहना, बहुत और आगे क्वेश्चन आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे बताऊँगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करते हैं, एकदम ईजी सा है, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हम जानते हैं। तो ये किए तो ये जो वैल्यू आया प्लस 4, ये जो वैल्यू आया 144, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, और यहां पर क्या दिया है 144, साथ में क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, यहां पर माइनस, यहां पे इसको सॉल्व किए तो ये हुआ माइनस 27, और 3 में से 27 गया तो ये हुआ माइनस 24, और ये माइनस 7 में यहाँ पे लेके आए तो कितना हो जाएगा, प्लस 24, और ये सब का सब कहाँ पर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है आपका, ठीक है। सामने में यहाँ पर क्या बचा है, 95 के साथ में क्या बचा हुआ है, माइनस। अब डिवाइड प्लस सीक्वेंस आया है, पहले इसको सॉल्व किए तो कितना हुआ, 1 और 4 ये होगा 5, 5 और 24 ये होगा 29, और 95 में से 29 गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान से देख लीजिए, जो सीक्वेंस बताया हूँ सीक्वेंस के हिसाब से, क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 10 में से 4 गया, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक, सॉरी, 4 में से 3 गया, ये गलती नहीं करना है, क्या होगा, माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, या 10 में से 4 गया तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, हम ये भी कर सकते हैं, 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 22 में से 6 गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। ये साधारण सा प्रश्न है, ठीक। चलिए अब यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा
लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है और अपने को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं वो वाले भी अपने क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी। ये इस तरीके से होगा, मतलब अगर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का भी अगर आपको पैटर्न दिया हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, सपोज आपको दिया हुआ है 102 मल्टीप्लाइड बाई 98, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम 100 प्लस 2 और साथ में यहाँ पर क्या कर सकते हैं 100 माइनस 2 ऐसा कर सकते हैं। तो ये ए हुआ और यहाँ पर क्या हुआ बी हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 होगा, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस करेंगे 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, ये क्या बन जाएगा सॉरी 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ये कितना बन जाएगा 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा और ये 10 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, अक्सर एग्जाम में देखना, मैं एक बार देखा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा जिसको आप लोग सॉल्व करके अपने पास देखना। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इसको आप बना के देखना बताना मुझे आंसर कितना हुआ। हम अपने ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया साथ में पॉइंट भी दिया है इसको भी याद रखना। ठीक है, हमको दिया हुआ है 100.2 मल्टीप्लाइड बाई 99.8, ये हमको गिवन है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 0.2, ये लिख सकता हूँ। तो ये हुआ a प्लस बी और यहाँ पर क्या हुआ a माइनस बी, फॉर्मूला अपन वही जानते हैं। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आया है 100, तो उस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 0.2 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास कितना होगा वो होगा 0.04। माइनस करते हैं तो यहाँ पर हुआ 10,000 माइनस पॉइंट के बाद दो नंबर है, ठीक है ना, पॉइंट के यहाँ पर क्या अपने पास पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं 00 और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 04। ठीक है, 9 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा यहाँ पे 9, ये बन जाएगा यहाँ पर 9, ये बन जाएगा यहाँ पर 9 और ये 10 यहाँ पर बन जाएगा 9, तो 4 बार 9 0.96, ये हमारा आंसर होगा जो कि यहाँ पर हमको दिया हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछते ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये भी अक्सर व्यापम में देखा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपका। अगर आपको ए बी अपॉन सी ऐसा फ्रैक्शन में आपको देता है, अगर आपको कोई भी नंबर आपको अगर मैंने बोला कोई भी नंबर ए बी अपॉन सी के फ्रैक्शन में आपको देता है, ठीक है, ए बी अपॉन सी के फ्रैक्शन देता है तो हम उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होता है सी होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने बोला कि 4 2/5 बोला तो इसका मतलब क्या होगा 4 × 5 प्लस 2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 20 प्लस 2 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 22 बटे यहाँ पर क्या होगा 5, इसको हम बोलते हैं मिश्र फ्रैक्शन। अभी सपोज आपको मैंने बोल दिया कि 28 अपॉन यहाँ पर क्या बोला 9 बोला, अगर आपको ये दिया हुआ है तो इस 28 को 9 से डिवाइड करते चले तो 9 × 3 = क्या हो जाएगा 27, बचेगा क्या 1 बचेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 1/9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ।
अब यही क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये होना चाहिए 999 × 999 +995 upon 999 × क्या दिया हुआ है 999 हमको दिया हुआ, तो ये हम जानते हैं कि ये दोनों तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 999 × 999 मतलब क्या हो जाएगा, 999 का स्क्वायर निकालना है अपने पास, 999 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो 8 और 1 की और यहाँ पे 00 और यहाँ पे 999, साथ में प्लस क्या करना है 995 करना है, 995 प्लस करेंगे, 995 प्लस किए तो ये जो वैल्यू होगा, सॉरी हाँ प्लस किए तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारे पास, जो इस प्रश्न का आंसर है इसमें जो हमको दिया हुआ है वो हमको आंसर क्या है 98996, ठीक, सॉरी 998996, तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको एक और तरीके से हम समझते हैं, एक और तरीके से हम इस तरीके समझते हैं, हम जो समझते हैं वो ये है कि आपको दिया क्या है 999 दिया, क्या दिया हुआ 999 999 999, ये हमेशा क्या होता है कॉमन होता है, ठीक। तो 999 के साथ हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 000 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला मैंने ये दोनों संख्या का अंतर देखा तो कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, तो इसमें से 4 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपको बताया था यहाँ पर मैंने 999 का स्क्वायर निकाला तो मैं इजीली बता दिया कि क्या बताया यहाँ पर कि 998001 बताया, ठीक। कुछ कॉमन नंबर्स के स्क्वायर बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और आपको बहुत सारा काम का होता है, वो भी अपन देख लेते हैं एक शॉट। मैंने पहले ही बोला था सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें एक एक चीज समझना, सिंप्लीफिकेशन का आपका जितना डाउट है और आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारा तरीका बताऊंगा और एग्जाम में क्या प्रश्न पूछने की संभावना और कैसा प्रश्न पूछता है उसको सरल तरीके से कैसे हल करना है ये भी आपको साथ में बताऊंगा। अब जैसे मैं बोला 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 001 का स्क्वायर बोला तो यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया, उससे कम कितना होता है 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अगर सपोज मैं 111 का स्क्वायर बोला तो कितने 1 है हमारे पास 3 1 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, उससे कम क्या होता है 2 1 लिखा। अगर सपोज आपको 41 का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 हुआ और ये जो है 4 से कम क्या होता है 3 2 1 और कितना हो जाएगा 3 2 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ये पहला। दूसरा अगर मैं बोला 9 का स्क्वायर बोला तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 हमारा बेस है। अगर सपोज मैंने बोला 99 का स्क्वायर तो हमारे पास 8 और 1 का बेस, हमारे पास 9 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 81 आ गया, कितना 9 एक्स्ट्रा आया है 1 9 एक्स्ट्रा आया है, इसीलिए 1 9 और 1 0। अगर सपोज मैं बोला कि 999 का स्क्वायर निकालना है तो 8 और क्या हो गया 1 आ गया, ठीक, यहाँ पे कितना है 2 9 एक्स्ट्रा आया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 999 और यहाँ पे 00 ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैंने बोला कि 4 बार 9 का स्क्वायर निकालना है तो ये कंडीशन पे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1 आया, 9 को छोड़ा तो हमारे पास क्या है 3 9 एक्स्ट्रा आया है तो इसीलिए 3 0 और सामने में यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लियर हुआ। और यहाँ पर अगर सपोज आपको कोई नंबर मिलता है, मैं बोला 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये बहुत बार पूछता आपका, सपोज मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में यहाँ पर क्या दिया 5 दिया हुआ उनको स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो गया 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 कॉमन आ गया, इस 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर होगा।
अगर सपोज मुझे बोला 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ, 25 हुआ, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सपोज मैं बोला कि 135 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 13 के बाद क्या आता है 14, और 13 × 14 क्या होता है 182, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 182, ये जो होगा इसका आंसर ये होगा 18225, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देख लो, बाकी अपन क्वेश्चन आगे बनाएंगे, मैं देखते रहूँगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और आपका क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्या होता है। क्लियर? देखिए बताया, ये वाला क्वेश्चन को बेस लेके बताया आपको, ठीक। बूस्टर डोज आपको साथ में लास्ट में और दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहना उसके लिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमको दिया हुआ है 7684 × 354 × प्लस दिया है साथ में 646 × 7684। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में 7684 कॉमन है, मल्टीप्लाई में देखते हैं। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 354 प्लस यहाँ पर बचा 646, ये दो को हमने प्लस कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। तो 7684 के साथ हमको कितना मिला है, हमको 3 ठोक अंडा मिला है, इसको हम यहाँ लगा देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7684। चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब एक तरीका ये है कि इसको हम सॉल्व करने का, एक तरीका ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई किए, एक आंसर आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए एक आंसर आया, और फिर इसको मल्टीप्लाई किए एक आंसर आया, ये दोनों को प्लस किया और हम माइनस कर दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। कभी कभार ये ए स्क्वायर को क्या करेगा आपको, इसको बस इसी फॉर्म में दिया हुआ है और कोई चेंज नहीं है आपका, बस ये हमको दिया हुआ है। तो ए कितना हो गया 65, बी कितना हो गया 46, तो इसका मतलब 65 माइनस 46 का हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 361, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपको साधारण सा प्रश्न है, इसको लिया क्यों, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको बहुत लंबा फ्रैक्शन आपको प्लस माइनस देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको लिया हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं सपोज इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये मेरे पास हुआ 17/2, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास हुआ 13/4। ये डाउट नहीं ना कैसे आ रहा है, क्योंकि 8 × 16 और एक कितना हो जाएगा 17/2, 4 × 12 = 13, है ना, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 8 = 8 × 3 = 11/4। लघुत्तम कितना हुआ, लघुत्तम हुआ 4, इससे भाग के 2 आया, इसको 2 से गुना के लिए कितना हो जाएगा 34 माइनस 13 प्लस 11, ये हमारे पास हो जाएगा 34 में से 13 गया तो कितना बचेगा 21, 21 प्लस 11/4, तो ये हो जाएगा 32/4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर, ये नॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 8 1/2 दिया है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 8 + 1/2, और यहाँ पर −3 − 1/4 और +2 + 3/4। हमेशा जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देगा तो सारे फ्रैक्शन को और कंप्लीट नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस अलग तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ पे 4 और 4 दिया है, तो इस 1/2 को मैं 2/4 भी तो बोल सकता हूँ, है ना। सेम क्या होता है, आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे अपने को 1/2 दिया है, अगर यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। मतलब कोई सा भी आपको फ्रैक्शन दिया, भिन्न दिया हुआ है, उसको अगर मैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट क्या होगा, वही नंबर हो जो रिजल्टेंट आएगा
ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही नंबर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इस तरीके से किया है। 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5, 5 में से 5 और 2 कितना हुआ, 7, ये हुआ। 2/4 में से 1/4 गया तो 1/4 हुआ, और 1/4 और 3/4 कितना हुआ, 4/4, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 7 और 1 कितना हो गया, 8, ये हमारा आंसर। ठीक, तो जब भी याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन जो बड़ा सा प्लस माइनस देगा, जो आगे काम का आने वाला है, तो उसमें याद रखना कि ये वाला सिक्वेंस आपको कैसा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होता है 2ab, हम जानते हैं। अब अगर सपोज a माइनस बी होल स्क्वायर रहेगा तो ये होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होता है b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ में यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, ये हम जानते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर के हाथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab होगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ये दोनों को प्लस करके देखते हैं, हम ये दोनों को प्लस करते हैं। तो इन दोनों को जब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साथ में ये कितने बार है, ये यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर ये कितने बार है, 2 बार है, इसलिए साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर होगा। ये कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उस चीज़ को याद रखना। ठीक, ये समझ में, क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा, अब अगर सपोज सेम चीज़ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेम हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हुआ मेरे पास ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पर 2ab हुआ, और ए माइनस बी होल स्क्वायर ये जो हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हुआ, और इन दोनों को आपस में मैं मल्टी माइनस किया, इन दोनों को आपस में क्या किया, माइनस किया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होगा, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab होगा, क्योंकि बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपस में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस में क्या होगा, जो प्लस का होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस के यहाँ पर क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो ये और ये नमस्ते हुआ, ये और ये नमस्ते हुआ, और हमारे पास 2ab प्लस 2ab यहाँ पर क्या बचा है, 4ab। तो याद रखना दो चीज़, क्या याद रखना अपने को, इम्पोर्टेंट याद रखना ये कि हमको जब यहाँ पर बीच में क्या होगा, प्लस होगा, तो याद रखना 2 के साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और जब साथ में यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो याद रखना क्या होगा, 4ab होगा। हमको ये दो चीज़ याद रखना है। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखा, और क्वेश्चन को देख के मैं समझा, यहाँ पर क्या समझा, यहाँ पर क्वेश्चन को देख के यहाँ पर बोला कि ये जो वैल्यू है ये a है, और ये जो वैल्यू है वो b है, और नीचे यहाँ पर ये क्या बचा है, a बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, b बचा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का कंडीशन हमको यहाँ पर बना है। तो हम जानते हैं बचेगा क्या, माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस हम जानते हैं, माइनस में यहाँ पर बच रहा है, क्या बच रहा है, 4ab बच रहा है, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए ऊपर में यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में जो बचेगा वो बचेगा 4 × 465 × 213, ऊपर में बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, 465 × 213 ये बचेगा, और ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर सपोज यही बहुत बार क्या करेगा, आपको इनवर्स में देगा, ये आपको ऊपर में दिया है, ये आपको ऊपर में दिया है, और ये आपको नीचे में दिया है, उस कंडीशन में आंसर कितना होगा, 1/4 हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लिख लो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, प्लस वाला भी और यहां पर माइनस वाला भी, सिंपल है। अब यहां पर क्या है, इससे पहले क्या मिला था, माइनस मिला था, और अभी यहां पर क्या मिला है, प्लस मिला है, सेम वही a प्लस बी होल स्क्वायर का है, ये a प्लस बी का
होल स्क्वायर और बीच में क्या मिला है, प्लस मिला है, और यहाँ पर क्या मिला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिला है, और नीचे क्या मिला है, ये दो बार मल्टीप्लाई, मतलब क्या नीचे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, बी स्क्वायर ही बचेगा। तो अल्टीमेटली ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2, ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो हमेशा ऑलरेडी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए इंटू ए के फॉर्म में है और वो बी इंटू बी के फॉर्म में है, तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या, 2। ठीक, एग्जाम में आपको उसको देखने देखते ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, तुरंत आप देखते बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। और सेम पहला ही, अगर ये ऊपर दिया है और ये नीचे दिया है, उस कंडीशन में आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, बस इतना सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं मैं वो भी साथ में यहाँ बता देता हूँ। अक्सर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो कॉमन पता गलती क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखे और तुरंत 99 कॉमन ले लिए, 19 कॉमन लिए, 1/7 प्लस 2/7, ऐसा 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 करते करते 6/7 तक प्लस कर दिए, और यहाँ पे 99, ये सबको प्लस किए तो 21/7 हुआ एक बार में, और ये क्या हो जाएगा, 3 बार में, और मल्टीप्लाई करके फटाक से 297 मार देंगे। अक्सर ये वाला गलती होता है स्टूडेंट से, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अक्सर ये वाला गलती करता है, तो ऐसा मत समझना, और इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ कि आपने क्या किया, ये काम किया कि 99 × 7 प्लस 1/7, यहाँ पर क्या किया, 7, एक तो सभी को ऐसी ब्रेक किया, दूसरा आपको बताया था, इससे पहले वाले आपको देखेंगे उसमें आपको बताया था कि इस 99 1/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1/7 प्लस 99 प्लस 2/7, ऐसा लिख सकते हैं, सेम कहाँ तक दिया हुआ है, 6/7 तक दिया है। ठीक है ना, तो ये 1/2 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 21/7, जिसका वैल्यू क्या होता है, 3। ठीक है, और ये जो 99 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार दिया है, और 6 × 99 करेंगे तो ये होगा 594, कितना होगा, 594, और यहाँ पर हमने 594 को साथ में 3 को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 597, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ये आपको सबसे पहले बताया था ना, बॉर्ड मार्क्स वाला जो आपको, जहाँ पे जो गलती होती है वो वाला गलती वाला बताया था आपको। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ये जो हुआ, ये मेरे पास हुआ 11/9 भागित, ये हुआ 7/5 ऑफ 5/21, ये हमको दिया हुआ है पुस्तक में, और प्लस यहाँ पर क्या दिया है, 1/3। ठीक, बहुत बार गलती करेंगे क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, ये वाला गलती हम नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑफ मतलब इसका जो वैल्यू होगा एक बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार में, और ये दोनों कटेगा, तो शुरुआत हम किससे करेंगे, 11/9 भागित 1/3 और साथ में प्लस 1/3, यहाँ से सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को याद रखना, ये कॉमन गलती होती है, और आपको एग्जाम में ना इसका जो अपन सॉल्यूशन करेंगे ना, उसका आंसर आपको वहाँ पे दिखाई भी देगा आपको। ठीक है, तो अब ये हुआ, अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो एक बार में और ये 3 बार में, तो क्या बचा, 11/3 प्लस 1/3, ये होगा 12/3, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक, यहाँ से अब अगले प्रश्न में आते हैं, इससे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, वो ये है, क्या चीज़ समझ लेते हैं, फॉर्मूला
मान लो आपको दिया है फॉर्मूला, आपका दिया हुआ है, आपको दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा ए माइनस बी, ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमको होता है, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके लूँगा तो ये वैल्यू होगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी इंटू बी इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एक्सपांड करके, ठीक है। याद रखना आपको इस फॉर्म में देगा या इस फॉर्म में देगा, तो इस तरीके से हमको दिया रहेगा। यहाँ पर क्या था, माइनस था, और अगर सपोज यही आपका ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब रहेगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ए प्लस बी रहेगा और इसके साथ में ए का स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा, ये हमारे पास होगा। तो सेम क्या होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को स्मॉल फॉर्म में यहाँ पे तोड़ा है ना, तो वैसे क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसी फॉर्म में यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उस चीज़ को याद रखना, ठीक। तो आंसर इसका याद रखना कि किस फॉर्म में आया है, ये आपका ये फॉर्म में आपका आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो 0.8 है इसको मैं ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ, और ये जो 0.5 है इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक। तो ऊपर आपको जो दिया है, ऊपर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिया है, और नीचे आपको दिया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अब बता चुके हैं अपने को, एक्सपांड करके दिया रहेगा, बताए थे यहाँ पर एक्सपांड करके दिया रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर यही होगा अपने पास। अब जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर ये जो होगा, ये होगा a माइनस बी, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए बी होगा, और यहाँ पर प्लस साथ में क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, और नीचे हम जानते हैं क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस यहाँ पर क्या बचा है, बी स्क्वायर, यही बचा हमारे पास। ये दोनों काट देंगे, ये दोनों काट देंगे, बचेगा यहाँ पर क्या, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, और ए का वैल्यू कितना है, 0.8 माइनस क्या करेंगे, 0.5 करेंगे, तो कितना बचेगा, 0.3, या इसको हम बोल सकते हैं 0.3, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.3, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। इसी का हमको क्या हो सकता है, ऑपोजिट भी पूछ सकता है, तो ये 0.3 है, तो बहुत बार क्या करेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/10 भी कर सकते हैं। अब अगर सपोज ये ऊपर, ये नीचे दिया है और ये ऊपर दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10/3, मतलब 3.33, आपको इस तरीके से भी आपको कर सकता है, इसी को याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, ये डायरेक्टली आपको रॉ फॉर्म में दिया था कि हम देख के समझ जाएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो आपको दिया है ए क्यूब के फॉर्म में, लेकिन क्या ये आपको ए क्यूब के फॉर्म में दिया है, ये आपको नहीं दिया है, लेकिन इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं 0.1 का यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, क्यूब बोल सकता हूँ, तभी तो 0.1 × 0.1 × 0.1 करूँगा तो 0.001 तभी तो आएगा, ठीक। जो नीचे है ये तो आपको ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, अब ये जो है, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर क्या है, इसको मैंने ए लिया है, किसको लिया, ए को 0.67 लिया है, और बी को यहाँ पर क्या ले लिया, 0.1 ले लिया है,
तो ये जो 0.67 है, इसको अगर मैं 0.67 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैं नीचे भी देखूंगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी, और प्लस यहाँ पर क्या दिया, बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, और ऊपर में क्या दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। तो हम जानते हैं बचेगा यहाँ पर क्या, ए माइनस बी ही बचेगा, और ए यहाँ पर क्या है 0.67 है, माइनस यहाँ पर क्या दिया 0.1 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.57। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, बहुत बार क्या होता है हम लोग एकदम खुशी खुशी में, हम तो सीख गए हैं, हमसे जो गलती होता है ना, 0.67 माइनस 0.1 देखे ये हमारा आंसर आ गया, बहुत बड़ी वाला गलती होता है। तो ऐसी गलतियों से आपसे बचना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बहुत हड़बड़ी होता है, अभी से बता रहा हूँ, तो आपको अभी से बता रहा हूँ क्या डूज है क्या डोंट्स है, उस चीज़ को याद रखना आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का, आगे और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, बेहतरीन। चलो ये वाला कौन सा हम देखते हैं, x प्लस 1/x क्या दिया हुआ है 7, और हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। ठीक, ये वैल्यू हमको दिया है, हम क्या करते हैं, इधर भी वर्क कर देते हैं और इधर भी वर्क कर देते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x इंटू 1/x, मतलब ए स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हुआ बी स्क्वायर हुआ, और साथ में यहाँ पर क्या हुआ प्लस 2ab हुआ, इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ 7 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हुआ 49, ये हमारे पास हो जाएगा। ये दोनों काट लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा, ये जो प्लस है ना यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 47, ये हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, इसको याद रखना। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। बहुत बार क्या करेगा एग्जाम मालूम, एग्जाम में क्या करेगा, आपको इसकी जगह ना, आपको इसकी जगह आपको ये पूछेगा, बस इसकी जगह आपको ये पूछेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला स्टेप यहां तक तो करना ही पड़ेगा। ये हम गए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है ना, ये 47 तक तो हमारे पास आ चुका है। अगेन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर किए, और अगर इसको स्क्वायर किए तो यहाँ पर x के पावर में 4, क्योंकि 2² का स्क्वायर, अगर x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x के पावर में 4 आ जाएगा, तो x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 प्लस 2 × x² इंटू 1/x² इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2209 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बस यहाँ पर क्या था, हमको यहाँ बीच में प्लस था, क्योंकि x प्लस 1/x दिया, a प्लस b होल स्क्वायर दिया है, और क्या होगा आपको यहाँ पे माइनस देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab होगा, और ये जो माइनस है वो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तब उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 51। बस याद रखना, एक बार आपको प्लस फॉर्म में देगा, एक बार माइनस फॉर्म में देगा। ठीक है, और फॉर्मूला आपको तो अब रट ही चुके आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप सीख ही चुके हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, x माइनस 1/x ये हमको दिया हुआ है 7, और हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³ हमको निकालना है। ठीक, अब क्यूब के फॉर्मूले में आते हैं, अब क्या आते हैं क्यूब के में आते हैं। ठीक, क्यूब के फॉर्मूले अपन आते हैं, तो अगर मैं बोला कि a प्लस बी होल क्यूब बोला, तो ये मेरे पास होता है a³ प्लस यहाँ पर क्या होता है b³ प्लस यहाँ पर होता है 3ab, मतलब 3ab मतलब यहाँ पर क्या हुआ 3 × a × b होता है। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी होता है, आगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b आएगा, 3a² b प्लस 3ab² आएगा, वो हमको काम का नहीं है। ठीक, और अगर सपोज आपको यही a माइनस बी होल क्यूब दिया हुआ है, तो ये होगा a³ माइनस क्या होगा b³ माइनस यहाँ पर क्या होगा 3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी हमारे पास होगा, इतना ही फर्क होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये होगा।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमको यहाँ पर क्या दिया, क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, याद रखना x माइनस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, 7। अब इसका भी क्यूब करते हैं और इसका भी क्यूब करते हैं, ठीक। ये a हुआ, इसको a ले लिए, इसको b ले लिए, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन एक्स, और इसका जो वैल्यू है 7 का क्यूब वो कितना होता है, 343, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर कट गया, ये x माइनस वन अपॉन एक्स ये वैल्यू हमको शुरू में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 हमको दिया हुआ है, ये हमको 7 दिया हुआ है, तो माइनस 3 इंटू 7 करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या बचेगा, x का क्यूब माइनस 1 अपॉन x का क्यूब माइनस 21 इक्वल टू 343, ये होगा। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ x क्यूब, यहाँ पर मैं x का क्यूब माइनस 1 अपॉन x का क्यूब बचाऊँगा, तो ये जो माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 364, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 364 ये होगा। एग्ज़ाम में क्या करेगा, आपको एक और चीज़ पूछ सकता है, ये जो आपका प्लस दिया, आपको माइनस दिया है ना, प्लस की जगह आपको यहाँ पर, ये माइनस की जगह आपको यहाँ पर क्या पूछ सकता है, प्लस पूछ सकता है, तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर क्या बोलेगा, इसकी जगह आपको प्लस देगा, बस आपको यही याद रखना है और कोई याद नहीं रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंडिंग के हिसाब से, अभी आजकल में क्या हो गया, पीएससी का लेवल क्या थोड़ा सा हाई हो गया, क्यों, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं और सीसेट का लेवल भी यहाँ पर क्या थोड़ा सा बढ़ा दिया, ताकि लोग अभी तक क्या करते थे, क्वालिफाई करने में लोग बहुत क्या है, पूरा फोकस किस पे कर देते थे, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज पे कर देते थे, है ना, और क्या बोलते हिंदी पे कर देते थे, और वो क्वेश्चन नहीं बने तो मैथ्स के भरोसे बिल्कुल रहते नहीं थे। लेकिन अब ये सीसेट क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और वो भी आपको इस तरीके से ये लेवल पढ़ेंगे तो आपको जो अपकमिंग एग्जाम्स है, आपके साथ में जो व्यापम वाले कुछ एग्जाम्स है ना, वो भी आपके साथ में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देखना आगे और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन हो गया आजकल ना, ये वाला जो है ना आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया पीएससी का, ठीक है, इनसे थोड़ा प्यार हो गया आजकल, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन वाला होता है। कंटिन्यूस फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा सॉल्व क्या होगा, पीछे से स्टार्ट होता है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा। ये आपको जो फ्रैक्शन वाला वीडियो बताया ना आपको, उसमें ध्यान से देखना, आपको उस फ्रैक्शन वाला वीडियो में आपको किस तरीके से होता है, और इसको अगर सपोज आपको एक फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन को आप कंटिन्यू फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं ना, जो आपका लेबर इंस्पेक्टर ने पूछा था, फूड इंस्पेक्टर ने पूछा था, वो वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर डाला हूँ, तो और क्लियर हो जाएगा आपको वो। सबसे पहले क्या होगा, ये सॉल्व होगा, 6 7 42, 42 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा, 37/7, ये पहला काम, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो नीचे है ना ये बचेगा 7 -35/37, समझ में आया, ठीक। हमेशा क्या होगा, ये सॉल्व होगा और फिर इसका जो आंसर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब ये जो हुआ, इसका जो वैल्यू हुआ नीचे, यहाँ पर क्या हुआ, 37 हुआ, 37 इंटू 7 किए तो कितना हुआ, 259 माइनस यहाँ पर हुआ 35, और ये जो वैल्यू हुआ, ये जो वैल्यू हमारे पास हुआ, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4, और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, 224 अपॉन यहाँ पर क्या होगा, 37। मतलब हम ये समझ गए हैं कि जब हमने इन सब को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वैल्यू बच गया है, ये हम समझ गए। अब यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 + 37 × 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 224। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किए, अब इस कंप्लीट को हम सॉल्व किए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 224,
224 गुने 4 कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, 448 प्लस 111 होगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक, 8 और 1 9, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 559 हमारे पास होगा और नीचे में यहाँ पर क्या होगा 224 होगा, ठीक है। अब अगेन हमको मिल गया यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर क्या बचा है, अब हमको जो मिला है वो कितना है, वो हमको मिला है कि 559 अपॉन 224 हमको मिला है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, अब इसका वैल्यू, ठीक, अभी हमको क्या, इसका जो वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था अपने को 224 अपॉन 37 मिला था, अब ये जो कंप्लीट है इसका वैल्यू यहां पर क्या मिला है, 559 अपॉन यहां पर क्या मिला, 224 मिला है, तो अब उस बात में यहां पर क्या होगा, उसके बाद ये फिर जाएगा ऊपर में और जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, जब हमको 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हमको मिलेगा अगेन 448 होगा और नीचे में हमको यहां पर क्या बचेगा, 559, ये हमारा आंसर होगा जो आपको नहीं दिया है और हमारा आंसर ये होगा। याद रखना आजकल व्यापम में और आपके पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछना चालू किया किया, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसाएगा फंसाएगा जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इतने आसानी से आपको एग्जाम निकालने नहीं देगा, तो मेहनत करवाएगा इस बार पीएससी क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो हियर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक तरीका यह है कि हम यहाँ पर क्या किया, हमको जो दिया है ना, हमने क्या किया, इन सब का लघुत्तम लिया, ठीक है, इन सब का लघुत्तम लिया, इन सब का लघुत्तम हम यहाँ पर क्या किया, उसके बाद फिर क्या, इसको इससे भाग के लघुत्तम को इससे भाग के इससे गुना के, थोड़ा लंबा समय है। जब हमको क्या करता है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखता है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसा कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन का आपको, सॉरी प्लस माइनस का आपको दिखेगा, तो एक चीज़ देखना है कि हर जो आपका हर दिया है एक कॉमन होगा, 6 का अंतर है, 8 का अंतर है, 10 का अंतर है, 12 का अंतर है, अंतर आपका कॉमन जा रहा है, अंतर आपका सीक्वेंस में जा रहा है कि 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद, ये कॉमन सीक्वेंस जा रहा है, एक ये चीज देखेंगे। और दूसरा अपन लोग क्या देखेंगे, सभी में यहां पर क्या है, हर यहां पर सभी में अंश क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अभी समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। जब आपको इस तरीके से देगा, जब आपको हर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अंश यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर क्या है, एक दिया, तो इसको हमको दो ऐसे संख्याओं में जोड़ना है जिनको गुना करेंगे तो हमको 6 प्राप्त होना चाहिए और उन दो संख्या के मध्य अंतर कितने का होना चाहिए, एक का होना चाहिए। ध्यान रखना आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, आपको हर का प्राप्ति होगा, और जब उन बीच दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर में क्या होगा, आपको अंश का प्राप्ति होगा, ठीक। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब एक चीज़ मैं करके देखता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, लघुत्तम दोनों का कितना आया, 6, इससे भाग के तो 3 आया, तो 3 × 1 = 3 माइनस 2 ऑटोमेटिकली कितना हो जा रहा है, 1/6 हो जा रहा है। समझ में आ रहा कैसा हुआ, तो इसमें 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, बीच में प्लस है तो प्लस, 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/4, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 माइनस 1/5, कुछ कॉमन चीज़ देखते हैं, बीच बीच का कट जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो जब फाइनली मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो इस 90 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1/9 माइनस 1/10 करूँगा, बीच का सभी कट जा रहा है, ठीक है ना भाई, याद रखना। बीच का सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बीच का वो सभी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, 1/2 माइनस 1/10, लघुत्तम कितना आया, ये जो लघुत्तम आया ये हमारे पास आया 10, इससे भाग के तो कितना है, 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा
चार बटे दस, जिसका हमारा उत्तर होगा 2/5। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपकी वो दुविधा भी दूर हो जाएंगी आपकी। ठीक, चलो। वो क्वेश्चन ये है कि मैं 1/5 - 1/7 किया, लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम आया 35। पहला स्टेप क्लियर हुआ। यहाँ पर 5 से भाग किया तो 7 - 5 कितना बचा? 2/35। ठीक है भैया, 1/7 - 1/9 किया, लघुत्तम आया 63, और यहाँ पर मैं किया तो 9 - 7 2/63। ठीक है, अच्छा 1/9 - 1/11 किया तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 99, और यहाँ पर 11 - 9 तो कितना बचेगा? 2/99। समझ में आ रहा है? तो अब आपको एग्जाम में आपको सीक्वेंस दिया है, समझना, 2/35 + 2/63 + 2/63 + 2/upon दिया हुआ 99 प्लस 2/143। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया है तो हम समझ गए इसको क्या करना है। इसको 5 और 7 और दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का है। यहाँ हम क्या देखें? 7 और क्या देखें? 9। दोनों के बीच कितने का अंतर? 2 का अंतर है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? सीक्वेंस चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस चलेगा वो क्या बनेगा? 1/5 - 1/7 + 1/7 - 1/9 + 1/9 - 1/11 + 1/11 - 1/13। ये अपने को याद रखेंगे तो बीच का सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कट जाता है। बचेगा कितना? इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे? ये दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल तरीका। और ये वाला एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखना है। इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो। और जो ये वाला क्वेश्चन, आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये आपका अभी जो आपको बताया था ये वाला, कि हम ये जानते हैं कि कुछ से पहले हम जो किए थे एकदम सिंपल सा है, a² - b² ये क्या होता है? a + b, और साथ में क्या होता है? a - b। अगर इस फॉर्म में देगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये फॉर्म में देगा तो उस फॉर्म में लिखते हैं, बस इतना सिंपल सा है। तो ये a² - b² हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? 75.8 - 55.8, ए प्लस बी, और 75.8 - 55.8, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे 20 हुआ। ये जो वैल्यू है ना, ये बी सी है, ख़त्म कहानी उसका। कहानी किसका बचा है? कहानी ये दोनों का बचा है। ठीक है, 8 और 8 कितना हुआ? 16 का 6, पॉइंट लगा, हासिल 1 गया, 5 और 5 = 10, 10 और 1 कितना हुआ? 11, हासिल 1 बचा, 1 और 7 = 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, तो 131.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, चलो कुछ और क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, एक और जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 465 × 999 दिया हुआ है, सपोज ये आपको दिया हुआ है, या आपको दिया हुआ है 237 × यहाँ पर क्या दिया? 10 बनती है। ये इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है ना, उसको याद रखना। यहाँ पे अगर सपोज इस फॉर्म में दिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 465 × इतना मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 1000 - 1, तो ये हो जाएगा 465 - 1230 - 465। 10 में से 5 गया तो बचा कितना? यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 5 बचा। यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, 6, तो 4, 6, 4,
535 ये हमारा आंसर होगा जब हमको ये होगा। अब जैसे आपको 9 दिया है, 9 मतलब क्या हो जाएगा, आपको 9 दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10-1, 99 देगा तो 100-1, बस वही सीक्वेंस आपको याद रखना है। आपको 11 दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10+1। आपको 101 दिया है तो मतलब कितना हो जाएगा, 100+1, सबसे आसान है। तो 237 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100+1 होगा, ये हो जाएगा 237 00, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई के 00 हो गया, प्लस 1 आ गया, मतलब साथ में यहाँ पर क्या हुआ, 237, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हुआ, 9 हुआ, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये जो टॉपिक था, ये तो अब हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक था। यहाँ पर ये जितने क्वेश्चंस आपको बताया हूँ ना, ठीक है, अभी लेवल बढ़ गया है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछने की संभावना है अपने, और उस कम समय में उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे समझना है, ये पूरा वीडियो ध्यान से वापस एक बार रिवाइज करके देखोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और इसकी मदद से क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन जो आपके बाकी क्वेश्चन है ना, वो भी आपको बनने में आपके क्या रहेंगे, मददगार रहेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।